गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा सातवीं का क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे अध्याय एक, जिसमें अध्याय एक का नाम है परिमेय संख्याएं और प्रश्नावली एक। इसके पहले सिन्हा सर ने दो वीडियो भेजे थे, अब ये मैं तीसरा वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है। ये भाग तीन है आपका, ठीक, भाग तीन। ठीक, क्वेश्चन क्या है, भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल ज्ञात करना है, इसके लिए आप लोग क्या करो, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, माइनस का माइनस से अपन भाग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं 16 से, कितने टाइम जाएगा 5, इसके आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में देखो आपके पास 650 भागे कितना दिया है, माइनस 13, ठीक है, माइनस 13। देखो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा उत्तर में, इसका माइनस आएगा, है ना, ठीक। इसी प्रकार से इसको भाग दे दो, 650 भागे 13, 13 बचे 65, ठीक है, ये कटा ये कटा, फिर 13 शून्य शून्य, ये 0 हो गया, कितना आ गया इसका मान 50, ये इसका आंसर हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे शेष क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं जो है आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन नंबर 4, छोटी है बड़ी है और बराबर है का जो प्रतीक दिया है उसे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है -3 + -4, यहाँ पे कौन सी मान आएगा, फिर इसके बाद दिया है क्वेश्चन में -4, फिर उसके बाद प्लस और -3, तो सबसे पहले आप इसको हल करोगे, -3 + -, का ठीक है ये कितना हो जाएगा -7, ठीक। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा -4 - 3, बट क्या हो जाएगा -7, देखो यहाँ -7 यहाँ -7, मतलब इसमें डिब्बे में क्या आएगा बराबर है। इस प्रकार से आप उसमें क्या लिखेंगे, बराबर है का सिम्बॉल लिखेंगे, और छोटा है और बड़ा है, बड़ा है तो हमेशा ऐसा हो जाता है, जैसे ये 4 और यहाँ पे 1, ये बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है छोटा है, ठीक। इसी प्रकार से आप लोग इसमें से क्वेश्चन हल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, -5 - -7 ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब फिर यहाँ पे दिया है लेंथ, फिर उसके बाद क्या दिया है इसमें -7, फिर माइनस फाइव, तो देखो अब इसको हल करो, -5 हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2, ठीक। इसी प्रकार से करो -7 - -7 - क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -2, दे देते +2 का है, -2 है, मतलब यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, ये वाला सिंबल आएगा कि दो बड़ी है किससे, -2 से, ठीक है। इस प्रकार से ये बड़ा हो गया, ठीक, क्लियर है। इस प्रकार से आप ये दोनों सवाल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एलडब्ल्यू में आप लोग काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कॉपी में आप लोग बना लेंगे, शेष जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, थैंक यू।